नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आप सभी दोस्तों की राजस्थान PTI पेपर फर्स्ट यानी कि राजस्थान GK की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं आपको इन दिनों प्रोवाइड करा रही हूँ राजस्थान GK से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार जो हमारे ओल्ड वीडियोज आप देखिएगा, राजस्थान GK तैयारी प्लेलिस्ट को आप एक बार ऑन कर दिया करिए और पूरे वीडियोज जो है दिन में एक बार जरूर सुना कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज हो सके, याद हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके राजस्थान PTI में। इसीलिए हम ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस क्वेश्चन में होमवर्क में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। चार चौमा का शिव मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। और शुरू करते हैं हम आज के वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज क्वेश्चन नंबर 151 से। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ईगल की पहाड़ी पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा किला है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। सोंगरगढ़ में ईगल की पहाड़ी नामक किला स्थित है। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। मातृकुंडिया मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़े में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जगदीश मंदिर जो है वो भीलवाड़ा जिले में है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ओसिया मंदिर जोधपुर में, सलासर मंदिर चुरू में, रणकपूर मंदिर पाली में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ताड़गढ़ को पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बैराट इज करेक्ट आंसर। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है। आभानेरी मंदिर जो है वो दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। दैट सास बहु मंदिर जो है वो टोक में स्थित है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कपिल मुनि मंदिर कोलायत में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में और एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही मिलान है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, किस शहर के किले में जय वाण या जय वान तोप को रखा गया है। किस किले में जय वाण या जय वान तोप को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। जयपुर में राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है, तारागढ़ का किला, उसे गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर डी जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो टोक में स्थित है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, सही है। उषा मंदिर बयाना में है, सही है। और तनोत माता मंदिर जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। कौन सा एक जैन मंदिर है। सातवीश देवरी मंदिर एक जैन मंदिर है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में से एक है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो स्मारक है जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट धौलपुर के पास इस
पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित कराया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ईयर तलावे शाही की बात यहां पे की जा रही है। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, कौन से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से सही है। यहाँ पे निम्न कूट में से प्रश्न का उत्तर देना है, आपको बताना है। तो 167 का हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सबसे पहले 2 और 3 जो है वो सही है, यानी कि हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा जयपुर में बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। और हवा महल में 963 झरोखे या जटिल डिजाइनों में सजाई गई खिड़कियां हैं, इसीलिए इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? जंगल देश के नाम से जाने जाने वाला स्थान है बीकानेर। जोधपुर को जंगल देश के नाम से भी जाना जाता था। असुमेलित जोड़े को छांटिए, यानी कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, भरतपुर का प्राचीन नाम विराट है, ये सही नहीं है। जालौर का पुराना नाम स्वर्णगिरी है, उदयपुर का पुराना नाम शिवी है और गंगानगर का पुराना नाम योदैद्य है, ये करेक्ट है। यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रामदेवरा जैसलमेर में जो स्थित है उसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रामदेवरा को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है या लिखा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि राजस्थान के जो पर्यटन विकास निगम का प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसमें कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अतुल्य राज, ये स्लोगन लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा स्लोगन है। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 8। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से बरौली मंदिर परिसर का संबंध है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, रानी कनकवती के द्वारा आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया था। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रायदास यानी कि स्वामी रविदास की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण यानी कि कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित तो नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जो कि एक लिंग जी मंदिर है वो जयपुर में स्थित है, ये सही नहीं है। बरौली मंदिर रावतभाटा में, आभानेरी मंदिर दौसा में और ऋषभ मंदिर उदयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ जो है इनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, विरासत को उनके स्थान से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि गजनेर महल बीकानेर में है, किराडू मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। गजनेर बीकानेर किराडू बाड़मेर और जग मंदिर बीकानेर में स्थित है। नाउ 179 क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सही किलो को उनके किलो के अंदर स्थित दरगाहों से आपको मिलाना है। तो आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले कि करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अंबर किला जयपुर जो है वो शिला देवी मंदिर में स्थित है। देन अंबर किला यानी कि किस किले में कौन सी दरगाह है वो आपको बताना है। तो अंबर किला यानी जयपुर, शिला देवी मंदिर, ताड़ागढ़ यानी कि दरगान मीरान साहिब, गागनोर झालावाड़ जो है वो उसका संबंध दारगे मीठे साहिब से है और मेहरानगढ़ जोधपुर का संबंध जो है वो चामुंडा माता देवी से है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विरासत को उनके स्थान के साथ मिलान करना है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जल महल जयपुर में है, एक चंबा महल जोधपुर में और जूनागढ़ बीकानेर में है, ये करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, आपको मंदिरों को उनके जिले से यानी कि कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है इसका सही मिलान करना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों।